नहीं समझता कि हिंदुस्तान को कुछ कह सकते हैं या ऐसा कोई दबाव डाल सकते हैं या ऐसी कोई मूव हो सकती है। तो वो उसको कहते हैं अक्वाम-ए-मुत्तहिदा क्या चीज है, हम तो बहुत बड़े हैं अक्वाम-ए-मुत्तहिदा से, हम सुपीरियर हैं अक्वाम-ए-मुत्तहिदा से, हम तो अमेरिका को और चाइना को रिप्लेस करने वाले हैं दुनिया में। मैं बिल्कुल सबसे मुत्तफिक हूँ, इसमें कोई शक नहीं। क्लब है, क्लब तक कह के मुखातिब किया है राइटली सो अक्वाम-ए-मुत्तहिदा को, लेकिन उसको एडवाइजरी के तौर पर लिया जाता है ना, स्पेशली भारत की तरफ से। अगर कोई अक्वाम-ए-मुत्तहिदा की तरफ से बयान आ जाए, स्टेटमेंट रिपोर्ट आ जाए उनके खिलाफ, तो वो उसको कहते हैं अक्वाम-ए-मुत्तहिदा क्या चीज है, हम तो बहुत बड़े हैं अक्वाम-ए-मुत्तहिदा से, हम सुपीरियर हैं अक्वाम-ए-मुत्तहिदा से, हम तो अमेरिका को और चाइना को रिप्लेस करने वाले हैं दुनिया में बतौर सुपर पावर। तो वो तो इस किस्म की मजेका फेस बातें करके उसको साइड में मारते हैं। लेकिन अगर हमारे हवाले से कोई बात करे, अभी 71 का भी जिक्र हुआ, आपको पता है, आप सबने देखा है 71 के हवाले से जब भारत में बात की जाती है तो खुलेआम सरेआम उनके प्राइम मिनिस्टर तक लेवल पे ये बात की जाती है, वो फखर का जो है वो इसमें मुजाहरा करते हैं, फखरिया ये बात कहते हैं कि हमने पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए और हमने दो टुकड़े कर दिए वगैरह वगैरह। कोई और अगर प्राइम मिनिस्टर हमारे मुल्क का ये जरूरत करे तो मुझे लगता है हमारे मुल्क पे तो सैंक्शन लग जाए। आलमी बिरादरी का ये रवैया है पाकिस्तान के साथ और ये उनके डबल स्टैंडर्ड्स हैं। भारत में उनके प्राइम मिनिस्टर बड़ी बड़ी बातें करके, और ये बातें क्या, वो तो अपने मुल्क में कत्लो गारत करके निकल जाते हैं और उनको कोई पूछने वाला नहीं। तो इस डबल स्टैंडर्ड्स पे तो देखें कोई शक नहीं है हमें, और ना हमें कोई उम्मीद रखनी चाहिए। हाँ, अलबत्ता ये बात खुशाइन जरूर है कि जो डेमोग्राफी चेंज की जा रही है, जो कि आबादी के हिसाब से मुसलमानों को बरतरी हासिल है कश्मीर में, उसको जो तब्दील करने की कोशिश की गई है 5 अगस्त 2019 के इकदाम के नतीजे में, मुझे लगता है पहली मर्तबा हुआ है कि अक्वाम-ए-मुत्तहिदा ने इस बात को माना है। लेकिन ये जो तंजीमें हैं, जाहिर है कि ये कोई फैसला कुन किरदार तो अदा नहीं कर सकते। बरतानवी पार्लियामेंट में बात हुई थी, बरतानवी पार्लियामेंट अपना असर व रसूख इस्तेमाल कर सकती थी। यूरोपीय यूनियन में बात हुई थी, यूरोपियन पार्लियामेंट में, वहाँ भारत ने असर व रसूख इस्तेमाल करके एक बड़ी ज़बरदस्त करारदाद, वहाँ उसके ऊपर वोटिंग होनी थी, लेकिन वो वोटिंग भी उन्होंने रुकवा दी। इसी तरह अगर कोई फैसला कुन किरदार अदा कर सकती है तो वो अक्वाम-ए-मुत्तहिदा कर सकती है या P5 कर सकते हैं, और P5 में सिर्फ एक चाइना है जो हमें किसी हद तक सपोर्ट कर सकता है, बाकी चार जो उसके किरदार हैं उनका झुकाव जो है वो वाजे तौर पर भारत की जानिब है। कि आप देख लें कि कुछ आलमी जो सेलिब्रिटीज़ हैं उन्होंने तो ये जो किसानों का एहतजाज हुआ उसके ऊपर भी ट्वीट्स वगैरह किए, बड़े ये जिच हुए इंडियन गवर्नमेंट, और इन्होंने फिर ट्विटर से एक रिक्वेस्ट भी की कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए। तो इनसे तो हमें कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, लेकिन जो इंसानी शऊर भी बेदार हो रहा है उसके नतीजे में शायद ये जो हमारे बेचारे कश्मीरी हैं इनके कोई मजालम का कोई मुदावा हो सके, लेकिन ये टाइम बहुत लगना है। मुझे आलमी बरादरी से कोई तवक्को नहीं, जब उन्होंने किसी को कुछ दिलवाना होता है तो फिर वो आउट ऑफ द वे भी जाते हैं। आप देख लें जो इसराइल की हमायत की जा रही है, जो उसके इलाके आहिस्ता आहिस्ता इंच बाई इंच वो इलाके अपने कब्जे में लिए जाता है, तो ये आलमी बरादरी खामोश ही है ना। जब आलमी बरादरी ने इंडोनेशिया के अंदर से एक नया मुल्क बनाना था तो बना लिया, और ये आलमी बरादरी जब मेरा मुल्क टूट रहा था 1971 में, देखें अक्वाम-ए-मुत्तहिदा बनने के बाद ये पाकिस्तान पहला मुल्क था जो दो टुकड़े दो लख किया गया, और इसलिए कंडीशन बनी थी कि वो ऐसा नहीं होने देगी। हमारे बाद दो वाक्यात और ऐसे हुए लेकिन वो हमारे बाद हुए, तो मुझे कोई तवक्को नहीं है। ये देखें अगर इस किस्म की वो मीटिंग्स ना करें तो उनकी जस्टिफिकेशन तो फिर कोई नहीं रह जाती, सरदारे की जस्टिफिकेशन ही रह जाती मैज कार्रवाई करने से। NGO है, एक जो अमीर तरीन ममालिक हैं उनकी एक NGO है, उनकी क्लब है, वहाँ पर बैठ के ऐसी बातें होती रहती हैं। अमली तौर पर तो मैं नहीं समझता कि हिंदुस्तान को कुछ कह सकते हैं या ऐसा कोई दबाव डाल सकते हैं या ऐसी कोई मूव हो सकती है। हेलो फ्रेंड्स, अपना हिंदुस्तान न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने देखा होगा पाकिस्तानी मीडिया के आंसू निकल रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि भारत अब किसी की परवाह नहीं करता, भारत एक इतना शक्तिशाली देश है, ना तो उसे यूनाइटेड नेशन की टेंशन है, ना अमेरिका ना चाइना, अब भारत कुछ सालों में खुद ही सुपर पावर बनने वाला है। और इसको देखते हुए पाकिस्तानी मीडिया को समझ नहीं आ रहा किस तरीके से हम कश्मीर का मुद्दा उठाएं इंटरनेशनल कम्युनिटी में, और इन मूर्खों को ये समझना चाहिए अब चाहे तुम कितना भी चिल्ला लो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि कश्मीर का मुद्दा पहले ही खत्म हो चुका है। मोदी जी ने आर्टिकल 300 खत्म करने के बाद कश्मीर के मुद्दे पे फुल स्टॉप लगा दिए। धन्यवाद।